गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ राधा सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं नहा धो ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता ही है कि मैं नहा धोने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद मैं सीधा जाती हूँ किचन में और अपना काम करती हूँ। और नहाने से पहले मैं सारा अपना झाड़ू पोछा बर्तन सब करके तब नहाती हूँ। और ये देख ली, मैंने पूजा भी कर लिया है, भगवान जी का दिया भी जला दिया, क्योंकि सुबह सुबह अगर दिया जल जाता है घर में और धूप जल जाता है और पूजा हो जाता है और घंटी बज जाती है टुन 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 ना, तो घर का माहौल कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और कितना अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सबसे पहले यानी को स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद जो है झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद हमारे पतिदेव जाते हैं ऑफिस। तो ठीक है, अब मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, कुछ भी उनके लिए और अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो फिर चलती हूँ किचन में फटाक से उसके बाद, ताकि लेट हो जाए और गर्मी से पसीने टपकने लगे किचन में, तो उसके पहले मैं पहुँच जाती हूँ किचन में और फटाक से अपना सारा काम निपटा करके फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आज भिंडी की सब्ज़ी, और मैं आज सुबह में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज मैं पहले इनको इनके लिए मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि ये जो है खाना अच्छे से खा करके ऑफिस जाएं, क्योंकि बड़ा दिन हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनके लिए मैंने बना देती हूँ रोटी सब्ज़ी, फिर उसके बाद बाकी जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी। तो इसलिए मैंने पहले भिंडी फटाफट सुबह में यानी को स्कूल भेजने के बाद फटाफट भिंडी की सब्ज़ी काटी और यहाँ पर सब्जी छौंक दी भी दी हूँ। और इसमें खरबट्टे में मैंने कूटा है लहसुन मिर्चा इसमें डालने के लिए, क्योंकि कूट के डालिए ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और इनको भिंडी की सब्ज़ी पसंद भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ। ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी मैक्रोनी। तो फ्रेंड, मैं अपने लिए यहाँ पे लाई हूँ मैक्रोनी, और हमारे पतिदेव जो है खा करके गए हैं रोटी सब्जी, क्योंकि बड़ा हो रहा है दिन और खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान नौकरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है बाहर जा करके, तो उसको खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इंसान खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ये सब तो छोटे मोटे बस मन बहलाने वाली चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मैक्रोनी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब खा के मत जाया करो, रोटी खा के ही जाया करो। क्योंकि खाना खाने से क्या होता है कि आपकी शरीर स्ट्रांग रहेगी तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनको हमेशा सोचती हूँ कि कोशिश ये मेरी यही रहती कि मैं वो खाना ही खा के जाए। इसलिए मैंने उनके लिए फटाफट रोटी सब्जी बना दिया। अनी के लिए सुबह में बनाई थी मैं मैगी और 4 बिस्किट रख दी थी, क्योंकि उनको शुरुआत से ही बोल रही थी मम्मा मुझे मैगी चाहिए, मम्मा मुझे मैगी चाहिए। तो मैंने उसको मैगी और बना करके दे दी और 4 बिस्किट दे दी, और पति देव को रोटी सब्जी, फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा मैक्रोनी बनाई हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, खा लेती हूँ, नहीं तो हो जाएगा ठंडा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, हमारा नाश्ता हो गया है और अब मैं देख रही हूँ टीवी, कुछ देर के लिए देखूँगी जब तक अनी नहीं आएंगी तब तक, फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी, क्योंकि जब अनी आ जाती है तो फिर उनका भी काम हो जाता है। और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है कि मैं बोतल का पानी अपने साथ ही लेकर के चलती रहती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा प्यास लगती है कि नीचे रहती हूँ किचन में तो अपना गिलास से पी लेती हूँ, लेकिन ऊपर रहती हूँ तो बॉटल में पानी भर भर के रखी रहती हूँ, 2-3 बॉटल एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ, ताकि जब भी प्यास लगे तो आराम से पानी पी लो। और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है और स्किन भी सही होता है पानी पीने से, चमक रहता है स्किन पे, तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेहतमंद के लिए। कितनी बीमारियाँ पता है पानी से दूर होती हैं, तो इसलिए जितना पानी पी सको खींच के पानी पीजिए, जैसे मैं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो ठीक है, अनी आती है फिर आप लोगों को मैं अनी से मिलवाती हूँ। तो फ्रेंड, अनी स्कूल से आ गई हैं और यहाँ आकर के देखिए सो गई और बोली कि मम्मा पढ़ाओ, मम्मा पढ़ाओ। जब तक मैं बैग लेकर के बैठी हूँ, उसकी डायरी चेक कर रही थी कि मतलब मैम ने इसको क्या क्या होमवर्क में मतलब दिया है, वो चेक कर रही थी मैं, तब तक यहाँ पे ये खेलते खेलते लेटे लेटे ये सो गई। जब मैंने चेक किया, कॉपी चेक किया और वो डायरी चेक, जब तक मैं कर रही हूँ चेक करके, जैसे ही मैं ऐसे सर कर रही हूँ तब तक देखी कि यानी सो गई। बोली जाने तो सोने दो, थक गई है, शाम को उठेगी तो फिर इसका होमवर्क मैं करवाऊँगी और फिर रात में भी थोड़ा सा पढ़ा दूँगी। और मैं यहाँ पे ली हूँ ग्रीन टी, अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी फिर मैं भी सो जाऊँगी थोड़ा सा अनी के साथ में, क्योंकि बज रहा है अभी 2, तो 2 घंटा मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी अनी के साथ,
और पीती हूँ मैं अब ग्रीन टी और अनी को सोने देती हूँ आराम से। फिर जब अनी उठेंगी तो रात में आप लोगों से अनी को मिलाऊंगी। मेरा बच्चा कितना थक जाता है स्कूल जाकर, कितना छोटा सा है, बस जल्दी से ये बड़ी हो जाए फिर अपने आप होमवर्क वगैरह सब करने लगे कोई, तब तब टेंशन नहीं रहेगा। फिर जब अपने से होमवर्क करेगी हर चीज़ करेगी तो अब ज़्यादा बोलूँगी तो ये उठ जाए।